साथियों, सुविधा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। इस क्षेत्र के भी बहुत से युवा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। बार बार होने वाली परीक्षाओं के कारण युवा साथियों का समय, ऊर्जा और धन तीनों बर्बाद होता था। अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा मिलने से युवा साथियों की परेशानी कम होगी। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। साथियों, एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को लेकर। अभी हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब मैं आया, बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। और ये काम जब मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मन बुद्धि कर्म से मैं स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि भी देता हूं। आज वो जहां भी होंगे, हमारी इस कल्पना से वो हम पर आशीर्वाद बरताते होंगे। भाइयों बहनों, देश की शिक्षा व्यवस्था में तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। उसके कारण, अंग्रेजी के अभाव के कारण गांव का, गरीब का, दलित का, पीड़ित का बच्चा, उसका अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं और मैं बिहार भाजपा को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की है।